राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए एक बड़ा प्रयास किया जा रहा है। 6 दिन का ये लॉकडाउन कर्फ्यू है ताकि लोग घरों से बाहर ना निकलें। पुलिस वाले लगातार पूछताछ कर रहे हैं ताकि किसी तरीके से भी कोई बिना किसी कारण के बाहर ना निकले। ये दिल्ली का कनॉट प्लेस है जहाँ पर सारी दुकानें बंद हो चुकी हैं, बाज़ार में सन्नाटा पसरा हुआ है, लेकिन वो लोग जो बिना किसी कारण के बाहर हैं उन्हें रोका भी जा रहा है, उनसे पूछा भी जा रहा है और तभी उन्हें जाने दिया जा रहा है। और आप देख सकते हैं किस तरीके से जो पुलिसकर्मी हैं वो कृपया अपना पास दिखाएं, ऐसा इनका एक इनके पास एक बोर्ड है और उस बोर्ड के ज़रिए वो रोक कर ये पूछताछ कर रहे हैं कि आप किस कारण से बाहर आए हुए हैं। और ये आप तस्वीरें देख रहे हैं किस तरीके से जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं, हालांकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट पूरी संख्या में बाहर है ताकि लोगों को बहुत ज़्यादा समस्या ना हो, लेकिन वो लोग जो किसी कारण के साथ बाहर नहीं निकल रहे हैं उनसे ये पूछताछ की जा रही है कि उनके पास क्या कुछ है, कृपया अपना पास दिखाएं। ये कहकर अगर कोई पास दिखा देता है उसके पास वैलिड रीज़न है तो उसको जाने दिया जाता है, और जिनके पास नहीं है उनको रोक लिया जाता है, और जब रोक लिया जाता है तो फिर चालान होने के चालान होता है ताकि वो लोग जो बिना वजह बाहर निकल रहे हैं वो इस बात को समझें कि दिल्ली में कोरोना संक्रमण इतनी तेज़ी से फैल रहा है और ऐसे में जिन्हें ज़रूरत नहीं है उन्हें बाहर नहीं निकलना है। इस संक्रमण की चेन को तोड़ना बहुत ज़रूरी हो गया है कि दिल्ली में जो पॉजिटिविटी रेट है, संक्रमण की दर है, वो इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, अस्पतालों में इतनी दिक्कत हो गई है, राजधानी दिल्ली में हालात बेकाबू होते जा रहे हैं, लोग अपने मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराने के लिए भटक रहे हैं। ऐसे में एक बड़ा फैसला लिया गया है, लेकिन इस 6 दिन में कितना फ़र्क आएगा ये देखने वाली बात रहेगी। कैमरामैन आदित्य पांडे के साथ वरुण गोयल, MH1 प्राइम, दिल्ली।